साहेबांचे विचार आणि धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांची शिकवण संभालना बीजेपी का काम है क्या? तो जब संभालना उसका काम है। नमस्कार, सिरासान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव अभी। सबसे पहले बात बड़ी सियासी हलचल की जो महाराष्ट्र से है, और महाराष्ट्र की राजनीति में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आज शाम में उद्धव इस्तीफा देने की पेशकश कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे आज अपने समर्थक विधायक और सांसदों से मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें वो मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा करेंगे। उद्धव आज कोई बड़ा फैसला लेने से पहले शरद पवार से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो ये जो हलचल है, इसमें सबसे जो बड़ा अपडेट है वो ये कि आज गया से लगाए जा रहे सूत्र ये बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे आज मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा देने की पेशकश कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले वो शरद पवार से मुलाकात भी करेंगे, साथ ही साथ अपने तमाम विधायकों और सांसदों से भी वो मुलाकात करेंगे। इस पूरे मामले पर जो सियासी संकट है उस पर चर्चा भी कर सकते हैं। तो इस प्रस्तावित बैठक से पहले खबर यह भी आ रही है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कमलनाथ ने कहा कि आज वो उद्धव ठाकरे से नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट। आज सियासी संकट के बीच जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई वो ये कि सीएम उद्धव ठाकरे कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं। कमलनाथ ने आज ये जानकारी देते हुए बताया कि आज उनकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। कांग्रेस की तरफ से पर्यवेक्षक बनकर वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि आज मुलाकात उद्धव ठाकरे से नहीं हो पाएगी क्योंकि वो कोरोना संक्रमित हो गए। मुझे उद्धव ठाकरे जी से भी मिलना था पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए। मैंने लंबी बात उनसे फोन पर करी है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी थी अरुणाचल प्रदेश में, उन्होंने प्रयास किया झारखंड में, उन्होंने प्रयास पूरे मध्य प्रदेश में किए, पैसा और पोस्ट की राजनीति, ये हमारे संविधान के खिलवाड़ है। और सब जो आज विरोध कर रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कल के बाद परसों भी आता है। मैंने ये सब बहुत देखा हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में शिवसेना में फिर से एकता बनी रहेगी। उधर शिवसेना के बागे विधायकों को शिवसेना ने धमकी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवसेना ने शाम 5 बजे तक सभी विधायकों को बैठक में बुलाया है। आज की बैठक में नहीं आए तो सदस्यता रद्द होगी, शिवसेना की तरफ से ये धमकी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाकी विधायकों को शिवसेना की तरफ से ये धमकी दी गई है। कहा गया शाम 5 बजे तक सभी विधायक अगर बैठक में शामिल नहीं होते हैं तो सदस्यता जो है उनकी खत्म कर दी जाएगी। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेघा हमारी सहयोगी मुंबई से इस वक्त जुड़ रही हैं, उनका रुख करेंगे। मेघा, जो सियासी संकट इस वक्त देखने को मिल रहा है, अब शिवसेना की तरफ से 5 बजे का समय दिया गया है, क्या कुछ आखिरी कोशिशें जो है शिवसेना की तरफ से की जा रही हैं और कितनी उम्मीदें अभी भी बची हुई नजर आ रही है? मेघा, आप हमें सुन पा रही हैं? चलिए, तो हमारे सहयोगी के पास अभी आवाज नहीं पहुंच रहे, उनके पास जाएंगे दोबारा। लेकिन जो बड़ा अपडेट है उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि वो ये कि 5 बजे तक सभी विधायकों को बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है शिवसेना की तरफ से, और कहा गया है कि अगर वो 5 बजे तक इस बैठक में शामिल नहीं होते हैं तो उनकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। तो ये धमकी शिवसेना की तरफ से दी गई है। इससे पहले खबर ये भी निकलकर सामने आई कि बातचीत का दौर भी चला है, जो नाराज और बाकी जो विधायक हैं उनके और शिवसेना की तरफ से, लेकिन बात बनती नजर नहीं आई। तो महाराष्ट्र में सियासी संकट जारी है और इस मुद्दे पर शिवसेना नेता संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, एक बार आपको वो भी सुनना चाहिए। संघर्ष करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी और क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है।
सर, लेकिन प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है। अच्छे माहौल में हमारी बातचीत कल से चल रही थी, ऐसा नहीं कि आज मैं बोल रहा हूँ, कल भी मेरी बात हो गई, आज सुबह बात हो गई और लंबी बातचीत की। ना हमारे मन में कोई ऐसी खटास है, ना उनके मन में कोई खटास है। हम लगभग 35-40 साल से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। वो सिर्फ हमारे साथी नहीं है, वो हमारे बहुत ही अजीत दोस्त है, मित्र है। उधर महाराष्ट्र संकट पर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर है। कमलनाथ ने कहा कि ये सौदे की राजनीति है। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी देश पर कब्जा करना चाहती है। तो ये जो सौदे की राजनीति है जिसका देश में आज उपयोग किया जा रहा है, झारखंड में देखें, मध्य प्रदेश का उदाहरण आप जानते हैं, पैसा और पोस्ट की राजनीति, ये हमारे संविधान के विपरीत है। और ये राजनीति की शुरुआत आगे के लिए बहुत खतरे की बात है। बीजेपी पार्टी की मकसद एक ही होते हैं कि सारे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में लिया जाए। कहीं अगर कोई विरोध पक्ष रहे और विरोधी पक्ष इनके खिलाफ कुछ कहे तो ये उनको बर्दाश्त नहीं करते हैं और हिंदुस्तान को विपक्ष मुक्त हिंदुस्तान बनाने की राहों पे ये चल रहे हैं। उधर महाराष्ट्र